हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद कर्ण। आज हम करेंगे एक ट्रिक फॉर लैंथेनाइड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह हमारी ट्रिक की एक सीरीज चलेगी जिसमें मैं कुछ कुछ ट्रिक्स आपके सामने लेके आता रहूंगा, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिक फॉर लैंथेनाइड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां पे मेरे शॉर्ट नोट्स और भी इंपॉर्टेंट चीजें जल्द ही मिलने लगेंगी, तो इसलिए जल्दी से जाओ और नीचे जाके इन पे ज्वाइन करो। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैंने बोला आज का हमारा वीडियो का टाइटल था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। किसका टॉपिक, किसका कॉन्फ़िगरेशंस? हमारा लैंथेनाइड्स का। अब लैंथेनाइड्स कहां पे आते हैं? लैंथेनाइड्स आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब एफ ब्लॉक हमारा कौन सा एलिमेंट होता है? तो आप बोलोगे कि भाई वो कौन सा होता है? वो होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा होता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आती है लैंथेनाइड और एक आते हैं एक्टिनाइड। लैंथेनाइड आते हैं हमारे सिक्स पीरियड में और ये स्टार्ट होता है 4F से। ये आते हैं हमारे सेवेंथ पीरियड में और ये स्टार्ट होते हैं हमारे 5F से, ठीक है। अब मैं अगर जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वो होता है हमारा n माइनस टू एफ 0 to 14, n माइनस वन डी 0 to 1 एंड एन एस 2। ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर मैं लैंथेनाइड्स के लिए लिखना चाहूं तो वो क्या बनेगा? 4f 0 to 14, 5d 0 to 1 एंड 6s 2, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लैंथेनाइड के लिए n 6 होता है, ठीक है। अब अगर मैं लैंथेनाइड्स को देखूं तो ये हमारा फिक्स है, ये हमारा चेंज नहीं हो रहा। हमारा जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं वो इनमें आते हैं, इनमें और इनमें आते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं, इसी की आज हम ट्रिक देखेंगे। तो मैं तीन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, बेसिकली लैंथेनाइड्स के, जिनमें तुम्हें एफ 5d1 फिल करना है। क्या फिल करना है? 5d1 फिल करना है और बाकी ये 3 है, ये 8 लग रहा है, ये 3 है, बाकी रेस्ट में तुम्हें 5d0 फिल करना है। क्या फिल करना है? रेस्ट में 5d0 फिल करना है। अब देखते हैं ये कौन से हैं। एक आपको ट्रिक याद रखनी होगी। अब आ गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट, आ गया ट्रिक, वो है लालू से गड़बड़। क्या है? लालू से गड़बड़, ठीक है। कोई लालू देख रहा हो तो बुरा ना मानना, लालू से गड़बड़। ये लालू से हमारा क्या होगा? ये होगा लैंथेनम, एले से मैंने पहले ही लिख दिया है, दैट इज सीरियम सीई, और गड़बड़ से हम लेंगे जीडी, दैट इज गडोलिनियम, दैट इज गडोलिनियम। तो तुम लोगों को इन तीनों में हमें 5d1 फिल करना है एंड रेस्ट में क्या फिल करेंगे हम? 5d0 फिल करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि एफ में क्या भरा जाए। तो मैं बोलूंगा कि एफ के लिए मैं एक्स डिफाइन कर देता हूं। अब आपको ये एक्स देखना है। उस एक्स को देखने से पहले आपको सारे एलिमेंट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए, या फिर पोजीशन नंबर बोल सकता हूं। मतलब 14 लैंथेनाइड होते हैं, उसमें से वो कौन से नंबर पे लाए कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो तरीके के एलिमेंट्स हैं,
एक है जिसमें डी जीरो है और एक है जिनमें डी वन है। अब अगर जिसमें डी जीरो है और मुझे एफ ऑफ एक्स भरना है तो एक्स क्या आ जाएगा? पोजीशन। क्या आ जाएगा? पोजीशन। लेकिन अगर जिसमें डी वन है तो उसमें हमारा एक्स क्या आएगा? पोजीशन माइनस वन। क्या आएगा? पोजीशन माइनस वन। अब मैं बताता हूं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने यूरोपियम का लिया, ठीक है, और एक मैंने लिया गडोलिनियम जीडी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेवेंथ में पोजीशन पे आता है और ये आपका एट्थ पोजीशन पे आता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि मैंने अभी अभी बताया था लालू ने क्या करी थी, गड़बड़ करी थी। तो इसमें हमारे पास डी वन होगा और इसमें हमारे पास डी जीरो होगा। सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4f 5d 6s, 4f 5d 6s2। इसमें क्या कर देना है? डी जीरो, इसमें कर देना है डी वन। अब मैंने बोला था कि अगर डी जीरो वाला है तो f में क्या भर देंगे? सीधे सीधे पोजीशन भर देंगे, और अगर हमारे पास डी वन वाला है तो पोजीशन माइनस वन भर देंगे, मतलब 8 माइनस 1 जो आएगा 7 आएगा, इसको हम एफ के ऊपर चढ़ा देंगे। समझ में आया? हमें तीन याद रखने हैं, लालू से गड़बड़, लैंथेनम, सीरियम, गेडोलिनियम। इन तीन में हमारा डी वन आता है, बाकियों में हमारा डी जीरो आता है। एफ भरने के लिए अगर हमारा डी जीरो है तो सीधे सीधे पोजीशन नंबर, अगर हमारा डी वन है तो पोजीशन माइनस वन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप सारे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, आप सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और ट्रिक्स की वीडियोस चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब डोंट फॉरगेट कि आप इस वीडियो को डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इस चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच।